बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बात बनती दिख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को हाजीपुर समेत लोकसभा की 5 सीटें देने पर सहमति बन गई है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को सिर्फ 1 सीट देने की बात हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की सीट भी बदली जाएगी और उन्हें समस्तीपुर से लड़ाया जाएगा। इससे पहले चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे थे और इसे लेकर उन्होंने अमित शाह से बात भी की थी, जिसके बाद अमित शाह की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक चिराग पासवान को 6 की जगह 5 सीटें लोकसभा चुनाव के लिए दी गई हैं, जिसमें उनके पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिसकी चिराग पासवान मांग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक चिराग इस फॉर्मूले से सहमत हैं और वो एनडीए में ही बने रहेंगे। इस बीच ये भी खबर है कि बिहार एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को भी दूर कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 1 सीट दी जाएगी। हालांकि अभी संभावित फॉर्मूले पर अंतिम मोहर नहीं लगी है और माना जा रहा है कि 1-2 सीटों का हेरफेर हो सकता है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक वहां की कुल 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिलेगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी 1 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद गृहमंत्री अमित शाह पहली बार एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे, जहां वो पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में विपक्ष पर जमकर बरसे और अमित शाह ने आरोप लगाया कि सालों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवाद पर भी घेरा। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। शाह ने दावा किया कि गरीब पिछड़ों का भला सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अमित शाह ने अपने संबोधन में आरजेडी और कांग्रेस को घोटालों वाली पार्टी भी बताया। साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि सालों तक सत्ता में रहकर भी कांग्रेस ने पिछड़ा अति पिछड़ा और गरीबों का अपमान किया और पिछड़ों का भला करने वाली रिपोर्ट को दबाए रखा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी, लेकिन मोदी सरकार में पिछड़ों का भला हुआ। पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, गलित दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकते। इससे पहले पटना पहुंचने पर पार्टी नेताओं ने एयरपोर्ट पर अंगवस्त्र पहनाकर और फूल देकर अमित शाह का शानदार स्वागत किया। अपने पटना दौरे में अमित शाह ने कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। INDIA गठबंधन ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया और इस बार पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी का समय पूरा हो गया। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम पर विवादित बयान दिया। हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका ये कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जैसे हिटलर ने विपक्ष को खत्म किया वैसे ही बीजेपी भी कर रही है। INDIA गठबंधन के नेताओं ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में इसका जवाब तो जनता देगी और पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वालों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि जो नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं वो पीएम के विरोध में इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। हताशा में मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को हिटलर कहने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा। बीजेपी नेताओं ने विरोधियों को नसीहत देते हुए कहा कि हताशा में डूबे नेता संयम बनाए रखें। बीएसपी प्रमुख मायावती ने INDIA गठबंधन को झटका देते हुए लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अपनी इस पोस्ट में मायावती ने यह भी लिखा कि चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि की अफवाह फैलाना गलत खबर है और इससे सावधान रहें। मायावती ने लिखा कि बीएसपी अपने दम पर मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे बेचैन विरोधी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती के इस ऐलान पर अखिलेश ने उन्हें बधाई दी। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बीच खबर है कि प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, फूलपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर सीट पर बीएसपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं, जिनका ऐलान 12 मार्च तक कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर जाति और समुदाय के हिसाब से बीएसपी ने उम्मीदवार तय किए हैं। Z News।